नमस्कार दर्शकों, द न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। चलिए देख लेते हैं इस बड़ी खबर को। आदिवासी समाज के लोगों ने बिरसा मुंडा जयंती को धूमधाम से मनाया। समाज के सभी वर्ग के लोग स्थानीय तहसील कार्यालय में एकत्रित हुए, पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए। लोक संगीत के साथ एक रैली का भव्य आयोजन किया गया, जो कि हरदोल बाबा ग्राउंड मंदिर में जाकर संपन्न हुई। समाज के लोगों ने हरदोल बाबा ग्राउंड में आम सभा का आयोजन किया। मकड़ाई से आए शाह ने बताया कि इस प्रकार का आयोजन का मुख्य उद्देश्य है, हमारे क्षेत्र में आदिवासी समाज पिछड़ता जा रहा है और समाज को एकजुट और एकत्रित करने के उद्देश्य से इस प्रकार का आयोजन किया जाता है, जिससे कि इस समाज के लोग भी मुख्य विचारधारा से जुड़ सके। आपको बता दें कि शहरी विचारधारा से जोड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। लोग इन्हें आदिवासी और जंगल के वासी कहते हैं। चलेंगे उनकी बात को हम सुनेंगे। हमारे गोरवाना होगा महासभा भोपाल से पधारे मोहन ओझा जी का स्वागत। हमारे आयोजित किया जाता है, देखिए अब तक होता ही आया है कि हमारा समाज जो है वो अधिकतर जंगलों में रहता है। हमारा समाज जो इतिहास है वो लिखित नहीं है, वो कीर्तनियों में लोकगीतों में होता है। तो अभी हमारा समाज जो है वो जागरूक नहीं है। हमारे समाज में बहुत से वीर हुए हैं, जैसे बिरसा मुंडा हैं और हमारे जैसे कि तंटा भील हैं। तो आज उद्देश्य है कि हमारे समाज में जो हम ये परिचय दें कि हमारा जो समाज है वो काफ़ी एक गौरवशाली इतिहास रहा है उसका। इसी के साथ में अगर हम आज की बात करें तो हमारे समाज में बहुत सी कुरीतियाँ आ चुकी हैं, जो शराब पीने लगे हैं लोग, जो जंगलों में रह के अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने नहीं लगे हैं। तो इसी विषय में हम चर्चा करने आए हैं कि भैया हमारा समाज भी बाहर निकले और बाहर जाके प्रगति करें। बिरसा मुंडा जी का जो संघर्ष रहा है उससे किस तरीके को देखते हैं, आपके समाज को कैसी चाहिए? प्रेरणा तो बिरसा मुंडा जी से भी आती है, हमारे तंटा भील जी से भी आती है, आपके राजा रघुनाथ शाह से भी आती है। इन सभी ने समाज के लिए कभी ना कभी कुछ ना कुछ किया है और हमें उनसे सीखने की जरूरत है। अगर हम मध्य प्रदेश की राजनीति की बात करें तो आपके झाबुआ और मंदसौर साइड में आदिवासी समाज ज़्यादा सक्रिय है राजनीति में, लेकिन इस क्षेत्र में आकर क्या है कि पिछड़ता जा रहा है, यहाँ पर सक्रिय नहीं? देखिए आप झाबुआ और उस तरफ की बात करेंगे तो वहाँ पर हमारे जो आदिवासी संगठन है वो भी काफ़ी सक्रिय हैं, जैसे कि हमारी गोंडवाना पार्टी है और वो काफ़ी अच्छा कर भी रहे हैं सामाजिक तौर पर। जो एक मैं कैसे समझाऊँ आपको, जिस तरीके से हमारा समाज बिखरा हुआ था, हमारा समाज में कभी भी एक ताकत नहीं रही है। कभी किसी को बोल दिया जाता है कि ये गोंड है, कहीं ये कोरकू है, कहीं ये भील है, ये बिलाला है। तो जब तक हमारा समाज जो है वो इकट्ठा नहीं होता है, एकत्रित नहीं होता है, जब तक हम सब आदिवासी नहीं खिलाते, जब तक हम बिखरे रहेंगे। और वहीं जो झाबुआ में है उन लोगों ने सबको एक कर दिया है, इसलिए वहाँ पर आदिवासी समाज एक ताकत दिखता है, एक वोट बैंक दिखता है। अभी वो जागरूकता जो है वो हमारे क्षेत्र में नहीं आई है, इसके लिए आगामी प्रयास बिल्कुल प्रयास तो कर रहे हैं, इसी कारण से सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं।